लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, स्पीकर सुमित्रा महाजन अपनी चेयर पर विराजमान है। पूरी संसद, पूरी लोकसभा खचाखच भरी हुई। अटेम्प्ट नंबर वन, श्री अरुण जेटली जी टू प्रेजेंट। मैडम स्पीकर, आई राइज टू प्रेजेंट द बजट फॉर द ऑफ द यूनियन for the year 2015-16. I present this budget in an economic environment which is far more positive than in the recent past. When other countries are facing serious challenges, India is about to take off on a faster growth trajectory once again. The International Monetary Fund has downgraded its earlier forecast of the global economic growth by 0.3%. And the World Trade Organization has revised its forecast of the world trade growth from 5.3 to 4%. Forecasts for India, however, have either been upgraded or remained the same without downgrades. Madam Speaker, we have also embraced the states as equal partners in the process of economic growth. States have been economically empowered more than ever before. It is my belief that every rupee of public expenditure, whether undertaken by the center or the states, आर्थिक रूप से इतना अधिक सशक्त बनाया गया है जितना पहले कभी नहीं बनाया गया था। मुझे विश्वास है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों में से किसी के द्वारा किया गया व्यय का प्रत्येक रुपया देश में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त करके लोगों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाने में योगदान करेगा। पिछले 9 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास की गति में तेजी लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता फिर से लौटी है। दुनिया के देश मानने लगे हैं कि यह समय भारत के लिए प्रगति के साथ उड़ान भरने का है। हालांकि केंद्रीय बजट अनिवार्य रूप से लोक वित्त का लेखा विवरण है, किंतु पारंपरिक रूप से यह भारत की आर्थिक नीति की दिशा और गति की रूपरेखा बताने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। अतः मेरे प्रस्ताव में विकास की गति को तीव्रतर बनाने, निवेश में वृद्धि करने, निवेश में और विकास प्रक्रिया के फायदे को देश के आम आदमी, महिला, युवा और बच्चों तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इनके जीवन स्तर में सुधार किया जाना है, यह वह पथ है जिस पर हम पूरे इरादे से और बिना रुके चलते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने भी अक्सर कहा है कि हमारी सरकार 2400 घंटे और पूरे वर्ष काम करने वाली सरकार है। महोदया, मैं देश में हमारी सरकार द्वारा कामकाज शुरू किए जाने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में आए बदलावों का जिक्र करना चाहता हूं। नवंबर 2012 में सीपीआई मुद्रा स्फीति 11.2% थी। 12-13-14 की पहली तिमाही तक चालू घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% तक पहुंच गया था तथा मार्च 2014 तक सामान्य विदेशी निवेश अंतर्वाह 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। हमें एक ऐसी भावना विरासत में मिली जो मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य और निराशा से ओतप्रोत थी तथा निवेशक समुदाय का हम पर भरोसा प्राय खत्म हो गया था। तब से हमने एक लंबी दूरी तय की है। नवीनतम सीपीआई मुद्रा स्फीति दर 5.1% तथा थोक मूल्य मुद्रा स्फीति ऋणात्मक स्तर पर है। इस वर्ष चालू वर्ष घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.3% से कम रहने की संभावना है। नई श्रृंखला के आधार पर हम वास्तविक घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.4% हो जाने की उम्मीद है, जिससे भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अप्रैल 2014 के बाद से देश में लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश अंतर्वाह हुआ है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रुपया विश्व के प्रमुख देशों के मुद्राओं की तुलना में पहले से 6.4% अधिक मजबूत हुआ है। हमारी पूंजी बाजार विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में दूसरा सबसे अच्छा निष्पादन करने वाला बाजार था। संक्षेप में, अध्यक्ष महोदया, हमारी अर्थव्यवस्था में नाटकीय ढंग से आमूलचूल बदलाव आया है। हमने अपने बृहद आर्थिक अस्थायित्व को फिर से प्राप्त किया है तथा अस्थायी तौर पर गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और दो अंकों में संपोषणीयता आर्थिक विकास संबंधी परिस्थितियां उत्पन्न की है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हमारी ओर हित
और आशा के साथ देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन चुनौतियों के प्रति विशेष रूप से जागृत होने के साथ ही ये चुनौतियां हमें आशावादी बने रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के मौजूद होने के बावजूद मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई है कि हमने उसे उत्पन्न होने दिया। भारत की जनता ने शीघ्र बदलाव, तीव्र विकास और उच्चतम स्तर की पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए हमें सत्ता सौंपी है। जनता चाहती थी कि देश से घोटाला, स्कैंडल और भ्रष्टाचार का राज समाप्त हो। वह ऐसी सरकार चाहती थी जिस पर वह विश्वास कर सके। हम उस विश्वास पर खरे उतरे हैं। हमारे कार्य मूल अथवा बृहत आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, इनका प्रसार सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी है। प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन, वित्तीय समावेशन, आम आदमी के स्वास्थ्य और स्वच्छता, बालिकाओं और उनकी शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, उन्नत और अप्रतिकूल कर प्रशासन, और सुविधाओं की प्रभावी सुपुर्दगी, निवेश और नियोजन, रोजगार सृजन, श्रमिकों के कल्याण, कृषि उत्पादकता और कृषि आय बढ़ाने, विद्युत, डिजिटल कनेक्टिविटी, हमारे युवाओं का कौशल विकास करने, सरकार में प्रभावी और बेहतर कार्य संस्कृति, व्यवसाय करने को सुगम बनाने, उत्तरी पूर्वी राज्यों को मुख्य धारा में लाने और हमारे राष्ट्रीय गर्व और संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए कार्य किए गए हैं। मैं इनका ब्यौरा इस भाषण के अनुबंध में दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा किए गए कार्यों में से मैं 3 उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगा। ये हमारी सरकार की विशेषता और दृढ़ विश्वास को दर्शाती हैं। पहली उपलब्धि जन धन योजना की सफलता है। वित्तीय समावेशन के बारे में दशकों से बातें की जा रही थी। किसने सोचा कि 100 दिनों की अल्प अवधि में 12.5 करोड़ से अधिक परिवार वित्तीय मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। दूसरी उपलब्धि कोयला नीलामियां रही। पहले राज्यों को केवल रॉयल्टी के लाभ मिलते थे, अब हमारी पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से कोयला वाले राज्यों को कई लाख या करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे। ये राज्य इनका उपयोग लंबे समय से प्रतीक्षित सामुदायिक आस्तियों के सृजन और अपने लोगों के कल्याण के लिए कर सकते हैं। तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत है। भारत का पुनरुद्धार करने के लिए इस अभियान को आंदोलन में बदलने में हम कामयाब रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं 2014-15 में निर्मित 50 लाख शौचालयों की बात करता हूं और मैं इन महान सदन के सदस्यों को आश्वस्त भी करता हूं कि हम 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण कार्य करने के लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त कर लेंगे। महोदया, स्वच्छ भारत केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि दूरदर्शिता से देखा जाए तो यह एक निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता निर्माण कार्यक्रम है। हमने अब आर्थिक परिस्थितियों को अधिक बेहतर बनाने के लिए 2 सुधार कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। ये वस्तु और सेवा कर और प्रसुधाओं के प्रत्यक्ष अंतरण के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक समीक्षा में वर्णित त्रिसूत्रीय जनधन, आधार और मोबाइल हैं। 1 अप्रैल 2016 तक वस्तु एवं सेवा कर से अत्याधुनिक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आएगी। ये त्रिसूत्री सुविधाएं हमें क्षतिरहित, सुलक्षित और नकदी रहित तरीके से सुविधाओं का अंतरण कर सकेंगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार की मुख्य उपलब्धि महंगाई पर काबू पाना है। मेरे विचार से महंगाई में यह कमी संरचनात्मक परिवर्तन को परिलक्षित करती है। हमें आशा है कि आगे चलकर इस वर्ष की समाप्ति पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रा स्फीति लगभग 5% रहेगी। इससे मौद्रिक नीति को और सहज बनाया जा सकेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रा स्फीति पर हमारी जीत संस्थानिक है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक नीति रूपरेखा को करार किया है। मैंने 2014-15 के बजट भाषण में इसका वादा किया था। इस रूपरेखा में मुद्रा स्फीति को 6% से नीचे रखने के लक्ष्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। मौद्रिक नीति समिति का गठन करने के लिए हम इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद के लिए नई श्रृंखला जारी की है। इस नई श्रृंखला में पुरानी श्रृंखला की तुलना में बदलाव किए गए हैं। नई श्रृंखला के आधार पर 2014-15 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित विकास दर 7.4% है। वर्ष 2015-16 में विकास दर 8 से 8.5 के बीच रहने की उम्मीद है। 2 अंकीय विकास दर हासिल करने का लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं अब
हमारे सामने जो कार्य हैं उनका जिक्र करता हूं। अब से पूर्व 7 दशकों में हमने सामाजिक और आर्थिक सूचकों के संबंध में प्रतिशतताओं और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या के अनुसार कार्य किए हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं भी वृद्धिशील परिवर्तन होने नहीं जा रहे हैं। हमें बड़े परिवर्तन के बारे में विचार करना होगा। वर्ष 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन और राज्य सरकारों के नेतृत्व में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित टीम इंडिया के विजन में निम्नलिखित शामिल होंगे। भारत में प्रत्येक परिवार के लिए घर हो, 2022 तक सबके लिए घर के लिए टीम इंडिया को शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ घरों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। देश के प्रत्येक घर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए और वह सड़क से जुड़ा हो। प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य की आजीविका के साधनों और रोजगार अथवा आर्थिक अवसर तक पहुंच होनी चाहिए ताकि वह अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सके। गरीबी में पर्याप्त कमी लाई जाए। हमारी सभी स्कीमें गरीबों पर केंद्रित होनी चाहिए। गरीबी उन्मूलन के इस कार्य के लिए हम में से प्रत्येक को स्वयं प्रतिबद्धता दिखानी होगी। देश में शेष 20,000 गांवों का 2020 तक विद्युतीकरण किया जाए। इसमें ऑफ ग्रिड सौर विद्युत उत्पादन शामिल है। सड़क मार्ग से न जुड़ी 1,78,000 बस्तियों में से प्रत्येक को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। इसके लिए वर्तमान में निर्माणाधीन 1,00,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने और अन्य 1,00,000 किलोमीटर सड़क की मंजूरी और निर्माण की आवश्यकता होगी। अच्छी सेहत, जीवन स्तर सुधारने और व्यक्ति की उत्पादकता दोनों तथा अपने परिवार की सहायता करने की उसकी सामर्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रत्येक गांव और शहर में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना पूर्णतः आवश्यक है। अपने युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें शिक्षित करना और कौशल संपन्न बनाना एक ऐसी वेदी है जिसके सामने हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे के लिए 5 किलोमीटर के भीतर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो और 80,000 माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन करने तथा अन्य 75,000 जूनियर मिडिल स्तर के विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्तर तक करने की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा में गुणवत्ता और शिक्षण परिणामों की पुष्टि दृष्टि से सुधार हो। ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि उपजों के लिए वाजिब दाम प्राप्त होना आवश्यक है। हमें संचित क्षेत्रों को बढ़ाने, मौजूदा सिंचाई प्रणालियों की क्षमता में सुधार लाने तथा मूल्यवर्धन और कृषि से होने वाली आय में वृद्धि करने तथा कृषि उत्पादों के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। संचार के दृष्टि से गांव और शहर के बीच भेद हमें अब स्वीकार्य नहीं है। हमें भेदभाव के बगैर सभी गांवों में संचार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हमारी 2/3 आबादी 35 वर्ष से कम वालों की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे युवाओं को उचित रोजगार प्राप्त हो, हमें भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य को लेकर चलना होगा। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। हमें भारत में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है तथा नए उद्योग को शुरू करने में सहायता करनी है। इस प्रकार हमारे युवा रोजगार तलाशने वालों के साथ रोजगार देने वाले बन जाएंगे। हमारे देश के उत्तर पूर्वी कई क्षेत्र कई मोर्चों पर विकास में पिछड़ रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे भी देश के शेष भागों के समतुल्य हों। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक हमारी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव करीब पहुंच चुका होगा। हमें उपर्युक्त सभी लक्ष्य प्राप्त करने हैं ताकि भारत का एक समृद्ध राष्ट्र के साथ एक परोपकारी विश्व शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके। अपने स्वतंत्रता सेनानियों को यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो। अध्यक्ष महोदया, या मैं पहले ही बता चुका हूं कि चुनौतियों को लेकर मैं भी चिंतित हूं। मेरे विचार से 5 मुख्य चुनौतियां हैं। कृषि संबंधी आय दबावग्रस्त है। हमारी दूसरी चिंता है अवसंरचना में निवेश बढ़ाना। सरकारी निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से अवसंरचना में निवेश की स्थिति अभी खराब है। निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए सरकारी क्षेत्र को कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी तीसरी प्रमुख चुनौती यह है कि नए सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद के 18 से गिरकर 17 रह गया है और विनिर्माण निर्माण सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10 पर स्थिर है। उद्देश्य
चौथी चुनौती यह है कि हमें सरकारी निवेश के लिए बढ़ती मांगों के बावजूद राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखने की जरूरत है। सरकारी संघवाद की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए हमने करों के विभाज्य कोष का 42% राज्य हिस्सों को अंतरित करना स्वीकार किया है। स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला अनुदान या राजस्व घाटा इन अनुदानों में शामिल नहीं है जो इसके अतिरिक्त है। जैसा कि महान सदन के सदस्यों को पता ही है कि यह एक अप्रत्याशित वृद्धि है, इससे राज्यों को अधिक संसाधन मिलने से वे सशक्त हो जाएंगे। राज्यों को 2014-15 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3.38 लाख करोड़ रुपए अंतरण की तुलना में यह अंतरण 3.04 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की अंतरित होगी। इस प्रकार राज्यों को कुल अंतरण केंद्र के लिए निवल कर राजस्व का लगभग 62% हो जाएगा। केंद्र के लिए घटती परिणामी राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद सरकार ने सड़कों सहित कृषि केंद्र के लिए घटती परिणामी राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद सरकार ने सड़कों सहित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, ग्रामीण और संरचना जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सहायता जारी रखने का निश्चय किया है। गरीबों और उपेक्षित लोगों के लिए बनाए गए कार्यक्रम जारी रहेंगे। अपनी राजकोषीय स्थिति में न केवल गिरावट आई अपितु यह प्राय खत्म सी हो गई है। मुझे राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने की पांचवी चुनौती का मुकाबला करना है। इस वर्ष 11.5% की आर्थिक वृद्धि सांकेतिक अर्थ में लगभग 2% कम थी, जिसके लिए मुद्रा स्फीति की दर कम होना है। परिणामतः कर में उछाल भी काफी कम रहा। महोदया, इसके बावजूद मैंने अपना वचन पूरा किया है और हम विरासत में प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% के राजकोषीय घाटा के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदया, हमें गरीबी में कमी लाने और उसे दूर करने के लिए इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता होगा। अध्यक्ष महोदया, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 3% के मध्यावधि लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के प्रतिकृत संकल्प है, किंतु इस प्रयास में सरकारी निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार करना होगा। अतिरिक्त सरकारी निवेश 1.25 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। इसमें से 70,000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय से पूंजीगत व्यय होगा। हमें अत्यधिक घट गई राजकोषीय गुंजाइश, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण पड़ने वाले संभावित बोझ पर भी विचार करना होगा। मेरे विचार में राजकोषीय समेकन हेतु चक्रीय तौर पर पूर्व निर्धारित समय सारणी की जल्दबाजी अथवा इस पर बल देना विकास के पक्ष में नहीं होगा। अर्थव्यवस्था सुधारों के साथ राजकोषीय समेकन की गति में तेजी लाने का दबाव कम हो गया है। इन परिस्थितियों में मैं 3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पहले से परिकल्पित 2 वर्षों के बजाय 3 वर्षों में पूरा करूंगा। इस प्रकार अगले 3 वर्षों के लिए मेरे लक्ष्य हैं 2015-16 के लिए 3.9%, 2016-17 के लिए 3.5% और 2017-18 के लिए 3%। अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश में और संरचना में निवेश के वित्त पोषण हेतु प्रयोग में लाई जाएगी। तदनुसार मैं FRBM अधिनियम के प्रति वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदया, मैं एक आशावादी टिप्पणी के साथ राजकोषीय रूपरेखा पर विचार विमर्श को विराम देना चाहता हूं। जबकि संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, किंतु रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और संरचना निर्माण की समग्र स्थिति निर्बाध रही है। वस्तुतः यह स्थिति इस वर्ष और प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में जारी रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर राजस्व में इजाफा होगा। लोक वित्त के इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से न केवल राजकोषीय समेकन की गाड़ी पटरी पर है, अपितु इससे समग्र रूप में सरकारों के कुल सरकारी व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद महोदय। जैसा आवश्यकता होगी मैं आपसे निवेदन कर लूंगा। अध्यक्ष महोदया, आप देखेंगी कि बजट में विनिवेश संबंधी आंकड़े अत्यधिक अस्पष्टता के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें घाटा उठाने वाली इकाइयों में विनिवेश और कुछ स्ट्रेटेजिक विनिवेश दोनों ही शामिल हो सकेंगे।
अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार भारतीय के रूप में अपने संकल्प में एक न्यायप्रिय तथा अनुकंपा से परिपूर्ण देश के रूप में अपने पूर्व के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। विगत में अच्छे इरादों के साथ प्रारंभ की गई स्कीमें प्रायः अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी हैं, कमियों के जाल में उलझ गई हैं और इन पर अक्षमता का ठप्पा लग गया है। यही स्थिति सब्सिडियों की भी है। सब्सिडियों की जरूरत गरीबों और वंचितों के लिए होती है। हमें सब्सिडी सुपुर्दगी की सुलक्षित प्रणाली की आवश्यकता है। हमें सब्सिडी क्षतियों को कम करने की आवश्यकता है, न कि सब्सिडियों को ही समाप्त करने की। हम इस दृष्टिकोण पर आधारित सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उस पथ पर चल पड़े हैं। अधिकतर छात्रवृत्ति स्कीमों में शुरू किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों की मौजूदा संख्या 1 करोड़ से बढ़कर 10.3 करोड़ करने के लिए इसका और विस्तार किया जा सकेगा। इसी प्रकार 11.5 करोड़ LPG उपभोक्ताओं को 6,335 करोड़ का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के सदस्यों जैसे शीर्ष कर वर्ग वाले धनी व्यक्ति और जो वास्तव में गरीब व्यक्तियों के कल्याण के प्रति वस्तुतः चिंतित हैं, स्वेच्छा से अपनी LPG सब्सिडी छोड़ देंगे। मैं जारी रखूंगा। हमारे किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गहरी है। हमने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण दो बड़े कारकों अर्थात मृदा और पानी के समाधान के लिए पहले ही प्रमुख उपाय किए हैं। सतत आधार पर मृदा उर्वरता में सुधार लाने के लिए महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम शुरू की गई है। मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए मैं कृषि मंत्रालय की परंपरागत कृषि विकास योजना के वित्त पोषण और पूर्ण सहायता का भी प्रस्ताव करता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई करने और जल घर दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। मैं सूक्ष्म सिंचाई, जल संभर विकास और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सहायता हेतु 5,300 करोड़ आवंटित कर रहा हूं। मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भरपूर सहयोग दें। छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण की सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। मैं 2015-16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की निधियों में 25,000 करोड़ रुपए दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण कोष में और 15,000 करोड़ दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण कोष में 15,000 करोड़ अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि हेतु 45,000 करोड़ और अल्पावधिक RRB पुनर्वित्त निधि के लिए 15,000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। कृषि ऋण हमारे मेहनत कर किसानों के प्रयासों को सहारा देते हैं, इसलिए मैंने 2015-16 के दौरान 8.5 लाख करोड़ के ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक यह लक्ष्य पार कर लेंगे। हमारी सरकार मनरेगा के जरिए रोजगार में मदद करने के प्रति वचनबद्ध है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गरीब रोजगार के बगैर न रह जाए। हम मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। मैंने इस कार्यक्रम के लिए 34,699 करोड़ का आरंभिक आवंटन किया है। हालांकि किसान अब स्थानीय व्यापारी के शिकंजे में नहीं है, परंतु उसके उत्पाद को अभी भी सर्वोत्तम राष्ट्रीय कीमत नहीं मिलती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम राष्ट्रीय कृषि बाजार सृजित करें, जिससे मूल्य वृद्धियों को कम करने के अनुषंगी लाभ होंगे। मैं इस वर्ष एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन हेतु नीति में राज्यों के साथ करने का इच्छुक हूं। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि विकास से समावेशी विकास होगा, जबकि बड़े कारपोरेट और कारोबारी कंपनियों को भूमिका निभानी है। इसे अधिकतम रोजगार सृजन में लगे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संपूरित करना होगा। लगभग 5.77 करोड़ छोटे व्यवसायी वाली यूनिटें हैं और अधिकतर व्यष्टि स्वामित्व की हैं तथा छोटे विनिर्माण व्यापार अथवा सेवा व्यवसाय चलाते हैं और इनमें 62% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। ये पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर हैं। ये मेहनत कश उद्यमी असंभव तो नहीं, पर मुश्किल से ऋण की औपचारिक प्रणालियों तक पहुंच पाते हैं। मैं इसलिए 20,000 करोड़ की निधि
और 3000 करोड़ की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी मुद्रा बैंक सृजित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुद्रा बैंक सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं जो ऐसी छोटी कारोबार इकाइयों को उधार देने के व्यवसाय में लगी हैं, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए संचालित और पुनर्वित्त पोषण करेगा, उधार देने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये उपाय युवा शिक्षित अथवा कुशल श्रमिकों को भरोसा बढ़ाएंगे जो पहली पीढ़ी के उद्यमों बनने की इच्छा रखने में समर्थ होंगे। विद्यमान छोटे व्यवसायी भी अपने कार्यकलापों का विस्तार करने में समर्थ होंगे। जिस प्रकार हम बिना बैंक वालों को बैंक वाला बना रहे हैं, उसी तरह हम अनिधिबद्ध को निबद्ध कर रहे हैं। दीर्घकालिक प्राप्य संग्रहण चक्रों के कारण किसी सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम की कार्यशील पूंजी जरूरत का महत्वपूर्ण भाग उत्पन्न होता है। हम ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं, जो बहुविध फाइनेंसरों के जरिए कॉरपोरेट और अन्य क्रेताओं से सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण सुसाध्य बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा। यह महत्वपूर्ण रूप से उद्यम क्षेत्र में नकदी में सुधार लाएगा। रेशम औद्योगिक कंपनी अधिनियम तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो ये लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं। हम वित्त वर्ष 15-16 में विस्तृत दिवालियेपन कोड लाएंगे, जो वैश्विक मानक पूरा करेगा और आवश्यक न्याय क्षमता की आवश्यक व्यवस्था करेगा। सरकार औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। इस संदर्भ में सरकार देश भर में फैले सभी गांवों में मौजूद 1,54,000 स्थानों पर विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करना चाहती है। मुझे आशा है कि डाक विभाग अपने उद्यम से भुगतान बैंक को सफल बनाएंगे, ताकि यह प्रधानमंत्री जनधन योजना में और योगदान कर सके। प्रधानमंत्री ग्राम धन योजना में ये योगदान कर सकें। समुत्थान से संबंधित मामलों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBMC की अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ विनियमन में समानता लाने के लिए यह प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परिसंपत्ति आधार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NDI को सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार वित्तीय संस्था के तौर पर अधिसूचनाओं हेतु विचार किया जा सकेगा। भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग स्वास्थ्य दुर्घटना अथवा जीवन किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही है। दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी, उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर मैं सभी भारतीयों विशेषकर गरीबों के वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूँ। सभी भारतीयों के लिए जो सुविधाओं से वंचित हैं और जो गरीब हैं, शीघ्र शुरू की जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सुरक्षा बीमा योजना मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2,00,000 के दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। इसी तरह तो जनधन खाते से ट्रांसफर होगा, उससे 2,00,000 की एक्सीडेंट इंश्योरेंस हर गरीब आदमी को मिलेगी। सिमिलरली इसी तरह हम अटल पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। यह अंशदान की अवधि पर निर्भर रहते हुए एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार 31 दिसंबर 2015 से पहले खोले गए नए खातों में 5 वर्ष के लिए 1,000 रुपए प्रतिवर्ष तक सीमित लाभार्थियों के प्रीमियम के 50% का अंशदान करेगी। महीने कोई गरीब आदमी कंट्रीब्यूट करे, उसमें से आधा सरकार देगी और 60 साल की उम्र से उसको पेंशन मिलनी आरंभ होगी। तीसरी सामाजिक सुरक्षा योजना जिसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं, वह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह 2,00,000 नैसर्गिक मृत्यु और के दुर्घटना जोखिम को कवर करेगी। आयु समूह
18 से 50 के लिए इसरा प्रीमियम 330 प्रतिवर्ष अथवा ₹1 प्रतिदिन से कम होगा। पीपीएफ में लगभग 3000 करोड़ और ईपीएफ निधि में लगभग 6000 करोड़ की बिना दावे की जमा राशियां पड़ी हैं। मैंने निधि में इन राशियों के विनियोजन हेतु वित्त विधेयक में अदावाकृत निक्षेप अधिनियम के अधिनियमन का प्रस्ताव किया है, जिसका उपयोग इनके प्रीमियमों को सब्सिडी देने पर किया जाएगा। कमजोर वर्गों, वृद्धावस्था पेंशनरों, बीपीएल कार्ड धारकों और छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य को प्रीमियम पर सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया जाएगा। एक ब्यौरेवार स्कीम मार्च में शुरू की जाएगी। इस बीच देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या को भी विशेष सम्मान दिए जाने की जरूरत है, जिनकी संख्या लगभग 10.5 करोड़ है और इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा 80 वर्ष से ऊपर वाले हैं। इनमें 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी बड़ी संख्या बीपीएल श्रेणी वालों की है। इनका काफी बड़ा प्रतिशत बड़ी उम्र से जुड़ी विकलांगताओं से भी पीड़ित है। हमारा ऐसा समाज है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्र और सहायता जीवन साधन उपलब्ध कराने की नई स्कीम शुरू की जाए। संक्षेप में, ये सामाजिक सुरक्षा स्कीमें जनधन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में हमारी वचनबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शाती है कि किसी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना अथवा वृद्धावस्था में अभाव का चिंता न करनी पड़े। गरीबों, उपेक्षितों और वंचितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए चल रही कल्याण योजनाओं के प्रति भी वचनबद्ध है। मैं इन कार्यक्रमों हेतु निम्नानुसार आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। अनुसूचित जाति के लिए 30,851 करोड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 19,980 करोड़, महिलाओं के लिए 89,258 करोड़। उन अल्पसंख्यक युवाओं को समर्थ बनाने के लिए इस वर्ष नई मंजिल नामक एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका स्कीम आरंभ की जाएगी, जिसके पास औपचारिक स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं होता, जिससे वह कोई या बेहतर रोजगार प्राप्त कर पाते। इसके अलावा पारसियों की दिखावटी सभ्यता और संस्कृति के लिए सरकार 2015-16 में दी एवरलास्टिंग प्ले नामक एक प्रदर्शनी में मदद करेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए आवंटन संरक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के लिए 3,738 करोड़ है। मैडम, दिस इज नो अध्यक्ष महोदय, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि विगत दशक में मुख्य चूक अवसंरचना के मोर्चे पर हुई है। हमारी अवसंरचना हमारी विकास महत्वाकांक्षा के अनुरूप नहीं है। तत्काल सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाने की भारी आवश्यकता है। अतः मैंने रेलवे को सड़कों और सकल बजटीय सहायता दोनों पर परिव्यय क्रमशः 14,031 करोड़ रुपए और 10,050 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का पूंजी व्यय 3,17,889 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। इसमें संशोधित अनुमान 2014-15 से लगभग 80,884 करोड़ रुपए की वृद्धि है। वस्तुतः अब संरचना में सभी निवेश वर्ष 2015-16 में 2014-15 के मुकाबले सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के केंद्र की निधियों और संसाधनों से 7,000 करोड़ बढ़ जाएंगे। दूसरा, मैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि स्थापित करना और इसमें 20,000 करोड़ का वार्षिक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए धन प्राप्त करना चाहता हूँ। इससे यह ट्रस्ट बदले में ऋण जुटाने और भारतीय रेल वित्त निगम और NHB जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों में इक्विटी के रूप में निवेश कर सकेगा। इसके बाद अवसंरचना वित्त कंपनियां इस अतिरिक्त इक्विटी को कई गुना बढ़ा सकती हैं। तीसरी, मैं रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचनाओं बांडों को जारी करने की अनुमति देना चाहता हूं। तीसरा, मैं रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचना बांडों को जारी करने की भी अनुमति देना चाहता हूं। चौथा, अवसंरचना विकास के सरकारी निजी भागीदारी मोड की समीक्षा करना एवं पुनरुज्जीवित करना है। इसमें शामिल प्रमुख मुद्रा है जोखिम को पुनर्संतुलित करना, अवसंरचना परियोजनाओं में
सरकार को निस्संदेह इसको पूर्ण रूपेण आत्मसात किए बगैर जोखिम के बड़े भाग को वहन करना होगा। पांचवा, मैं नीति में अटल नवोन्मेष मिशन की भी स्थापना करना चाहता हूँ। अटल नवोन्मेष मिशन एक नवोन्मेष संवर्धन मंच होगा। इसमें शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को आकर्षित करेगा। यह मंच सरकारी और निजी क्षेत्रों में दोहराव के लिए श्रेष्ठ परंपराओं को भी बढ़ावा देगा। आरंभ में इस प्रयोजन के लिए 150 करोड़ की राशि निश्चित की जाएगी। भारत के पास सुप्रतिष्ठित और विश्व स्तरीय आईटी उद्योग है। इसके पास लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात होता है, सीधे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब हम इन्हें आरंभ करने में अधिक सूची देख रहे हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, विचारों से मूल्यों का सृजन करना और उन्हें कार्यक्रमों एवं आरोही उद्यमों में बदलना तथा कारोबार हमारे युवा वर्ग को कार्य में लगाने और हमारे देश का समावेशी एवं स्थायी विकास करना हमारी कार्यनीति का मुख्य आधार है। वैश्विक पूंजी जुटाने की अधिक उदार प्रणाली, हमारे उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नत सुविधाएं, आधार पूंजी और विकास के लिए वित्त पोषण और कारोबार करने की सुगमता जैसी चिंताओं, जिससे खरबों डॉलर के मूल्य का सृजन होगा, निराकरण ट्रिलियन डॉलरों के सृजन करने के लिए किया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ सरकार सेतु, स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग नामक तंत्र की स्थापना कर रही है। सेतु एक औद्योगिकीय वित्तीय उद्भवन होगा और अन्य स्वरोजगार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करने हेतु सहायता कार्यक्रम होगा। इस प्रयोजन के लिए मैं नीति आयोग में आरंभिक रूप में 1000 करोड़ रुपए निर्धारित करता हूँ। चूंकि लघु पत्तनों में सफलता दिखाई दी है, निजी क्षेत्र के लिए पत्तन आकर्षक निवेश संभावना बन सकते हैं। पत्तनों को निजी क्षेत्र में ऐसा निवेश जुटाने तथा उनके पास अप्रयुक्त परे भू संसाधनों का उत्थान करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए निजी क्षेत्र के पत्तनों को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित होने और कंपनियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, समुचित रूप से कार्यशील पूंजी बाजार के लिए यथोचित उपभोक्ता संरक्षण की भी जरूरत है। अतः मैं क्षेत्रीय तटीय वित्तीय निपटान एजेंसी की स्थापना करने के लिए कार्यबल बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। मुझे लेकिन फिर भी अगर हम सही मायनों में हमें भारत को वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र, वित्तीय क्षेत्र अपलीय अधिकरण, समाधान निगम और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी संबंधी कार्यबल को सौंपे गए कार्य में संतोषजनक प्रगति होगी। उसके लिए हम एक समिति गठन करेंगे ताकि और वो ये स्थापना करने के लिए कार्यबल बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही कि वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र समाधान निगम और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी संबंधी कार्यबल को सौंपे गए कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है। हमने भारतीय वित्त संहिता के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त किए। इस समय इनकी समीक्षा न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति कर रही है और सरकार इसी तरीके की परियोजनाओं को लागू करेगी। दूसरे परियोजनाओं के लिए, सड़कों के लिए, पत्नों, रेल लाइनों, हवाई अड्डों के लिए, और मुझे खुशी हो रही है कि दूसरी इकाई कोडनकुलम न्यूक्लियर विद्युत केंद्र की दूसरी यूनिट 2015-16 में चालू हो जाएगी। अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष के दौरान कर उछाल से कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आशा करता हूँ। यदि मैं सफल हुआ तो बजटीय आवंटन से मनरेगा के लिए
5,000 करोड़ आवंटन बढ़ाने का प्रयास करूंगा। दिस विल मेक आप इतने अधिक चिंतित क्यों हैं महोदया? इसके दो कारक होंगे। इससे रिसीवर का आवंटन होगा, वो मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक उसको धनराशि प्राप्त होगी, उसको बढ़ाने में भी ये लाभ देगी। आई विल फर्दर बी एलोकेटिंग टू द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास स्कीम के लिए 1500 करोड़ रुपए, एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए और NFIF में 5,000 करोड़ का आरंभिक अंतर्वाह के लिए प्रयास करूंगा। वित्तीय बाजार भारत में अवसंरचना सेक्टर में निवेश सहित निवेश प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भारतीय बॉन्ड भारतीय बाजार की गहनता है, जिसे हमें उसी स्तर पर लाना है जहां हमारा विश्व स्तरीय इक्विटी बाजार है। मैं इस वर्ष लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना करके इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहता हूं। इससे भारत का विदेशी उधार और घरेलू ऋण दोनों एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। मैं वायदा बाजार आयोग को सेबी में विलय करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि वस्तु वायदा बाजारों का विनियमन मजबूत किया जा सके और अंधाधुन सट्टेबाजी कम की जा सके। वित्त विधेयक 2015 में विधान को समर्थकारी बनाने, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। पूजा लेखा नियंत्रक एक नीति है, ना कि विनियामक विषय, अतः मैं विधेयक के जरिए फेमा की धारा 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि स्पष्ट रूप से व्यवस्था की जा सके कि इक्विटी की तरह से ही पूंजी प्रभाव पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाएगा। समुचित रूप से कार्यशील पूंजी बाजार के लिए यथोचित उपभोक्ता संरक्षण की भी जरूरत है, अतः मैं क्षेत्रीय तटस्थ वित्तीय निपटान एजेंसी की स्थापना करने के लिए एक कार्य बल बनाने का प्रस्ताव करता हूं। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही कि वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र, वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण समाधान निगम और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी संबंधी कार्य बल को सौंपे गए कार्यों में संतोषजनक प्रगति हो रही है। हमने भारतीय वित्त संहिता के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त किए हैं। इस समय इनकी समीक्षा न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति द्वारा की जा रही है। मुझे विश्वास है कि देर सवेर भारतीय वित्त संहिता को संसद में विचारार्थ प्रस्थापित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो शुरुआत ही है। मेरी निगाह प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने पर है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से दरों के संबंध में प्रतिस्पर्धी है। इसके लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है। बचतों को प्रोत्साहित करना है और अंतर्वर्तियों से कर की उगाही नहीं करता है। ऐसी प्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से जिस आधुनिकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू कर रहे हैं उसके समरूप है, और इससे अधिक पारदर्शिता आएगी और ज्यादा निवेश बढ़ेगा। अध्यक्षा जी, कर्मचारी भविष्य निधि खातों के संबंध में और कर्मचारी राज्य बीमा के दावा अनुपातों को सभी भली भांति जानते हैं। यहाँ उनका उल्लेख करना मात्र पुनरावृत्ति होगी। यह ध्यान देने की बात है कि ये दोनों संस्थाएं सेवा प्रदाता कम और कल्याण परक अधिक हैं। इसके अलावा न्यून वेतन वाले कामगारों की वेतन कटौतियों का प्रतिशत बेहतर वेतन पाने वाले कामगारों की वेतन कटौतियों की तुलना में अधिक है। कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में कर्मचारी को दो विकल्प दिए जाने की आवश्यकता है। पहला, कर्मचारी स्वयं कर्मचारी भविष्य निधि या नई पेंशन स्कीम का विकल्प चुने। दूसरा, आरंभिक सीमा से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान नियोक्ता के अंशदान को घटाए या प्रभावित किए बिना वैकल्पिक होना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा मान्य कोई स्वास्थ्य बीमा उत्पाद चुनने का विकल्प होना चाहिए। सभी संबद्ध पक्षों से विचार विमर्श के बाद हम इस संबंध में कानून में संशोधन करना चाहते हैं। अध्यक्षा जी, भारत
विश्व में स्वर्ण के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और तथा प्रतिवर्ष 800 से 1000 टन स्वर्ण का आयात करता है। यद्यपि भारत में 20,000 टन से अधिक के स्वर्ण भंडार का अनुमान है, लेकिन अधिकांशतः यह स्वर्ण ना तो व्यापार में और ना ही मुद्रीकरण में प्रयुक्त होता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम जारी की जाए, जो वर्तमान स्वर्ण जमा और स्वर्ण धातु ऋण स्कीम दोनों का स्थान लेगी। नई स्कीम सोना जमा करने वाले व्यक्ति को उसके धातु खाते में ब्याज अर्जन तथा ज्वेलरों को उनके धातु खाते में ऋण प्राप्त करने की अनुमति देगी। बैंक अन्य डीलर भी स्वर्ण का मुद्रीकरण कर सकेंगे। दूसरा, वैकल्पिक वित्तीय आस्ति। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड का स्वर्ण धातु की खरीद के विकल्प के रूप में भी विकास करना होगा। इन बॉन्डों पर एक निश्चित ब्याज दर होगी और बॉन्ड के धारक को बॉन्ड मोचन के समय स्वर्ण के अंकित मूल्य के संदर्भ में नकद प्रतिदेय होंगे। तीसरा, भारतीय स्वर्ण सिक्का बनाने का काम शुरू करना, जिसके पटल पर अशोक चक्र बना होगा। इस प्रकार के भारतीय स्वर्ण सिक्कों से देश के बाहर बनाए गए सिक्कों की मांग में कमी आएगी और देश में उपलब्ध स्वर्ण के पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी। काले धन के प्रभाव को रोकने का एक उपाय नकद होने वाले लेन देन को हतोत्साहित करना है। अब अधिकतर भारतीयों के पास रुपए डेबिट कार्ड हैं या यह लिया जा सकता है, अतः मैं जल्द ही कई उपाय आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। उसमें क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड लेन देन को प्रोत्साहित करना और नगद लेन देन को हतोत्साहित किया जाएगा। ये इससे भारत जो है एक कैशलेस समाज के रूप में उभरेगा। सेबी द्वारा वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन अधिसूचित किए गए हैं। ऐसी वैकल्पिक निवेश निधियां घरेलू निवेश को सुसाध्य बनाने के लिए अन्य साधन प्रदान करेगी। सभी स्रोतों से निवेशों को बढ़ाने की जरूरत के मद्देनजर मैं वैकल्पिक निवेश निधियों में विदेशी निवेशों की अनुमति देने का भी प्रस्ताव करता हूँ। विदेशी निवेश जुटाने के लिए मैं भारतीय कंपनी हेतु प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने हेतु प्रस्ताव करता हूं कि विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेश, खासकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के बीच के विभेद को दूर किया जाए और उनके स्थान पर सम्मिश्र उच्चतम सीमाएं लाई जाएं। जो क्षेत्र पहले से ही 100% स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आते हैं प्रभावित नहीं होंगे। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन आर्थिक और कार्यनीतिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है। इस क्षेत्र में भारतीय निजी सेक्टर से निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए परियोजना विकास कंपनी CMLV देशों अर्थात कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में पृथक विशेष प्रयोजन साधनों के माध्यम से विनिर्माण केंद्रों की स्थापना करेगी। मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। मैं महिलाओं की सुरक्षा, अधिवक्तता और जागरूकता वाले कार्यक्रमों की सहायता के लिए मैंने निर्भया कोष में अतिरिक्त 1,000 करोड़ मुहैया कराने का निर्णय लिया है। भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर के 25 स्थल हैं। इसमें भृदृश्य, बहाली संकेत, भाषांतर केंद्र, पार्किंग, विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिगमन सुविधाएं, सुरक्षा और शौचालयों सहित आगंतुकों हेतु सुख सुविधाएं, प्रकाशीकरण एवं उनके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली योजनाएं आदि सुविधाओं की अभी भी पर्याप्त रूप से कमी है। इनकी बहाली अपेक्षित है। मैं निम्नलिखित धरोहर स्थलों के लिए इन सुविधाओं पर आधारित कार्य शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ और हम एक केंद्र की सहायता से इन साइट्स का पर हम कार्य शुरू करेंगे। पुराने गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, दूसरा हम्पी कर्नाटक, एलिफेंटा गुफाएं मुंबई, राजस्थान में कुंभलगढ़ और अन्य पहाड़ी किले, रानी की वाव पाटन गुजरात, ले बैलेंस लद्दाख जम्मू कश्मीर, वाराणसी मंदिर टाउन उत्तर प्रदेश, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब, कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद तेलंगाना। इंतजार कीजिए, इस
सफलता के बाद इस सफलता के बाद तैंतालीस देशों के पर्यटक यात्रियों को जारी आगमन वीजा की सफलता के बाद तैंतालीस देशों के पर्यटक अध्यक्ष जी पिछले साल हमने घोषणा की थी कि आगमन पर वीजा मिलेगा, ये तैंतालीस देशों के लिए किया गया था। मैंने इस सुविधा के अंतर्गत 150 देशों को चरणों में शामिल करना चाहता हूँ। अध्यक्षा जी अच्छी तरह ज्ञात है और जो विभिन्न चरणों में है, अध्यक्षा जी ये अच्छी तरह ज्ञात है कि पर्यावरणीय प्रदूषण अन्य लोगों की अपेक्षा गरीबों के लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है, इसलिए हम वचनबद्ध हैं कि हमारी समूची विकास प्रक्रिया जहां तक संभव हो हरी भरी हो। अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों पर हमारा वास्तविक कार्बन टैक्स अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जहां तक कोयले का संबंध है, हमें प्रदूषण पर कर लगाने और विद्युत मूल्यन के बीच एक बेहतर संतुलन तलाशने की जरूरत है। तथापि इस वर्ष के आरंभ से मैं ये उपाय भी शुरू करना चाहता हूं। मेरी सरकार फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल्स वाहन स्कीम की आरंभ कर रही है। मैं 2015-16 के लिए स्कीम के लिए 75 करोड़ के आरंभिक परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अपना लक्ष्य संशोधित करके 1,75,000 मेगावाट कर दिया है। इसमें सौर द्वारा 1,00,000 मेगावाट, पवन द्वारा 60,000 मेगावाट, बायोमास द्वारा 10,000 मेगावाट, लघु पन बिजली से 5,000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता शामिल है। अध्यक्ष जी हमने घोटालों, घपलों, भ्रष्टाचार, राज को पीछे छोड़ दिया है। सार्वजनिक प्रापरण में कदाचार को एक अधिप्रापरण कानून और एक संस्थागत ढांचा जो अनसीट्रल मॉडल के अनुरूप हो लाकर रोक सकते हैं। मुझे विश्वास है कि संसद को शीघ्र ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमें प्रापण कानून की जरूरत है और यदि हाँ तो उसका आकार प्रकार क्या हो। दूसरी तरफ सरकारी संविदाओं में उत्पन्न विवादों को सुलझाने में काफी समय लगता है और उनके समाधान की प्रक्रिया भी काफी खर्चीली होती है। माई गवर्नमेंट प्रपोज विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को सुसाध्य बनाने के लिए मेरी सरकार ऐसे विवादों के समाधान हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए सार्वजनिक संविदा विधेयक पूर्व स्थापित करना चाहती है। मेरा ये भी मानना है कि मुझे लगता है कि अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में प्रचलित नियामक व्यवस्थाओं में भी आम दृष्टि और दर्शन के अभाव की समस्या से निपटने में की आवश्यकता है। अतः हमारी सरकार विनियामक सुधार विधेयक पूर्व स्थापित करना चाहती है। इससे अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण बहाल किया जा सकेगा। भारत विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्रों में से है। हमारे देश की कुल आबादी का 54% से अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे युवा 21वीं शताब्दी की नौकरियों के लिए शिक्षित और रोजगार पर रखे जाने योग्य हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि किस प्रकार स्किल इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बीच गहरा तालमेल बैठाया जा सकता है। आज भी हमारे सक्षम कार्यबल के 5% से भी कम को ऐसा औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो पाता है ताकि वे रोजगार पर रखे जाने योग्य हों और रोजगार में बने रह सके। हम शीघ्र ही कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के जरिए एक राष्ट्रीय स्किल मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कौशल संबंधी कार्यक्रमों को समेकित किया जाएगा और हमारी सभी 31 क्षेत्रीय कौशल परिषदों में प्रक्रियाओं और परिणामों के मानकीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। हम एक डिजिटल वाउचर कार्यक्रम भी तैयार कर रहे हैं। इससे प्रत्येक योग्यता प्राप्त छात्र किसी प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदाता से प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि भारत की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा अभी भी गांव में निवास करता है, अतः ग्रामीण युवाओं की नियोजनता में वृद्धि करना भारत की आबादी में युवाओं की इस अधिक भागीदारी से लाभ उठाने की कुंजी है। इसे ध्यान रखते हुए हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की है। इसके जरिए 1,05,000 करोड़ की राशि नियत की गई है। इस वर्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय का 100वां जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। सरकार इस महान राष्ट्रवादी के जन्म दिवस को ठीक से मनाना चाहती है। शीघ्र ही 100वें जन्मदिवस आयोजन समिति गठन की घोषणा कर दी जाएगी और समारोह हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र अपनी पसंद की उच्च शिक्षा बिना किसी धन अभाव का सामना किए प्राप्त कर सकें। इसे ध्यान रखते हुए मैं प्रधानमंत्री
विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से सभी छात्रवृत्तियां और साथ ही शिक्षा ऋण स्कीमों के आद्योपांत प्रशासन और निगरानी के लिए पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी युक्त छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमें याद करना होगा माननीय सदस्यों कि जुलाई के बजट भाषण में मैंने प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख केंद्रीय संस्थान उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी। मैं प्रस्ताव कर साल के दौरान बजट के बाद भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे। इन दिस फिस्कल मैं इस वित्तीय वर्ष में जम्मू 2015-16 में जम्मू कश्मीर पंजाब तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश और असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जाए। बिहार में आयुर्विज्ञान को बढ़ावा देने के मद्देनजर मैं इस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान आई प्रपोज टू सेट अप अनदर एम्स लाइक राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अन्य संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं कर्नाटक में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने तथा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को एक परिपूर्ण आईआईटी में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं अमृतसर में एक बागवानी अनुसंधान शिक्षा स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किए जाएंगे। केरल में मौजूदा राष्ट्रीय वॉक एवं श्रवण संस्थान को निशक्तता अध्ययन पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने तीन नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिनमें एक स्थापना क्रमशः महाराष्ट्र राजस्थान छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। नागालैंड उड़ीसा में एक एक विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकार का विचार एक स्वायत्त बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित करने का। यह ब्यूरो सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रमुखों की तलाश में उनका चयन करेगा। अलग अलग कार्यनीति नवोन्मेष वित्तीय तरीकों और लिखतों के जरिए ड्यूटी चटाने की योजना तैयार करने में उनकी मदद करेगा। यह बैंकों के लिए नियंत्रक और निवेश कंपनी स्थापित करने का एक अंतिम कदम होगा। अध्यक्ष जी, मैं संघ बताना चाहता हूँ कि हमें डिजिटल इंडिया तैयार करने की दिशा में सही प्रगति कर रहे हैं। 2.5 लाख से गाँव को जोड़ने वाले 7.5 लाख किसी किलोमीटर के राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर राष्ट्रीय डिजिटल ये 2.5 लाख गांव को जोड़ेगा और 7.5 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम को से अधिक गति प्रदान की जा रही है, जिसके लिए इच्छुक राज्यों को इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिस पर आने वाले व्यय की दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसके कार्यान्वयन के इस तरीके के लिए हमने अपना विकल्प दिया है। जैसा सदस्य जानते हैं, वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें करते समय विशेष श्रेणी अन्य राज्यों के बीच में भेद को खत्म किया है। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल वित्त आयोग की सिफारिशों से सर्वाधिक लाभान्वित होने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को भी त्रिव विकास करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसीलिए यही तो प्रधानमंत्री जी ने कल भी इस बात को दोहराया है कि इसके लिए हम पूर्वोत्तर पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं बिहार और पश्चिम बंगाल को उसी प्रकार की विशेष सहायता देने का प्रस्ताव करता हूँ जैसे आंध्र प्रदेश सरकार की स्थिति में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जहां तक प्रदेश और तेलंगाना का संबंध है, सरकार इसके पुनर्गठन के समय इन राज्यों के साथ की गई सभी कानूनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के प्रति कृत संकल्प है। राज्यों के लिए किए जाने वाले अंतरण में भारी वृद्धि ने केंद्र के लिए समान अनुपात में राजकोषीय गुंजाइश में कमी की है। फिर भी हम गरीबी और नव मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे ध्यान में रखते हुए गरीबों और वंचितों के लिए स्कीम में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। उदाहरणार्थ मैंने मध्यान्ह भोजन सहित शिक्षा क्षेत्र के लिए 68,968 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 33,152 करोड़ तथा मनरेगा सहित ग्रामीण विकास कार्यों हेतु 79,526 करोड़, आवास और शहरी विकास के लिए 22,407 करोड़, महिला और बाल विकास के लिए 10,351 करोड़, जल संसाधन नमामि गंगे के लिए 4,173 करोड़ का आवंटन किया है। राज्यों
राज्यों द्वारा इन विषयों पर खर्च की गई महत्वपूर्ण राशि के साथ ही इन क्षेत्रों में विकास काफी बढ़ेगा और मैं राज्यों से अनुरोध करता हूं कि वे क्षेत्र में अपने बढ़े हुए संसाधनों को प्रभावी रूप से उपयोग करें। इन दीज एरियाज अध्यक्ष महोदया, मैं दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के मामले में हुई अच्छी प्रगति से प्रसन्न हूँ। गुजरात में अहमदाबाद धोलेरा निवेश क्षेत्र और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट शेंद्रा विपकिन औद्योगिक पार्क अब बुनियादी अवसंरचना पर काम शुरू करने की स्थिति में है। चालू वर्ष में मैंने 1,200 करोड़ की आरंभिक राशि निश्चित की है, तथापि खर्चों के बढ़ाने की स्थिति में मैं अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराऊंगा। किसी भी अन्य चीज से पहले मातृभूमि के एक एक इंच की रक्षा सर्वोपरि है। अभी तक हम उदास और निरुत्साही बर्ताव के बावजूद आयात पर ही निर्भर रहे हैं। हमारी सरकार ने पहले ही रक्षा में FDI की अनुमति दे दी है, ताकि भारत नियंत्रित निकाय हमारे लिए ही नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी रक्षा उपकरणों के विनिर्माता बने। इस प्रकार हम एयरक्राफ्टों सहित रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में उच्चतर आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में मेक इन इंडिया नीति का पालन कर रहे हैं। सम्मानित सदन के सदस्यों ने देखा होगा कि हमने रक्षा उपकरणों की खरीद से जुड़े मामलों में पारदर्शी और शीघ्र निर्णय लिए हैं, ताकि हमारी रक्षा सेनाएं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस वर्ष मैंने सशस्त्र बलों की जरूरतों के लिए यथेष्ट संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इस वर्ष संभावित व्यय 2,82,370 करोड़ के मुकाबले है 2015-16 के लिए 2,86,727 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यद्यपि भारत में वित्तीय विषयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं, पर देश की प्रगति के लिए इनकी क्षमता को पूर्णतया प्रतिबंधित और दोहन करने के लिए भारत में अवसर सीमित हैं। गुजरात में GIFT की परिकल्पना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र के रूप में की गई है, परंतु वास्तव में यह सिंगापुर या दुबई के जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र बन जाएगा और संयोग फंड से भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता है। यह प्रस्ताव वर्षों से ऐसा ही है। मुझे यह घोषणा करते प्रसन्नता हो रही है कि यह पहला चरण शीघ्र वास्तविकता में बन जाएगा और मार्च में जारी किया जाएगा। फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कॉमर्शियल सरकार का वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए विधि आयोग की 253वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर भारत में विभिन्न न्यायालयों में अनन्य वाणिज्यिक प्रभाग गठित करने का प्रस्ताव है। सरकार इस संबंध में हितधारकों से परामर्श करने के पश्चात एक विधेयक पूर्व स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार पूर्व में जारी किए गए अध्यादेशों को संसद के अधिनियमों में बदलने के लिए अपेक्षित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करेगी। महोदय, मैं बजट अनुमान पर आता हूँ 2015-16 पर। वित्त वर्ष के आयोजना भिन्न व्यय के अनुमान इसके लिए 13,12,200 करोड़ रुपए अनुमानित है। आयोजना व्यय 4,65,270 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 14-15 के आरी के बहुत करीब है। तदनुसार कुल व्यय 17,77,477 करोड़ रुपए अनुमानित है। रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और व्यय तथा अन्य आवश्यक व्यय के लिए जरूरतों हेतु समुचित रूप से व्यवस्था की गई है। सकल पर प्राप्तियां रुपए 14,79,490 करोड़ रुपए अनुमानित है। राज्यों के अंतरण हेतु यह 5,23,958 करोड़ रुपए अनुमानित है। केंद्र सरकार का हिस्सा 9,19,842 करोड़ रुपए होगा। अगले वित्त वर्ष के लिए कर भिन्न राजस्व 2,21,733 करोड़ रुपए अनुमानित है। उपरोक्त अनुमानों के चलते राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9% और सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। कराधान सामाजिक और आर्थिक ताने बाने की एक लिखत है। कर संग्रहण लोगों को अपने